यस बेटा, एट्थ क्लास कल हमने किया था, पेज नंबर 74 और 75 पर सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। आज हम करेंगे, देखिए जैसे ये सॉल्व्ड एग्जांपल है, एक बार इनको करके देखेंगे। तीन तरह के हैं, एक में एडिशन है, एक में सब्ट्रैक्शन है और एक में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये तीनों एग्जांपल करेंगे। सबसे पहले तो कैसे करना होता है, देखिए ऐड 4x³ प्लस 6xy² माइनस, ये है इसमें पहले बीच में, पहले ब्रैकेट में दोनों को रखा है इन्होंने, बीच में प्लस का निशान लगाया, फिर पूरे को एक लाइन में लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, मेन उसके बाद आता है, देखिए जैसे x³ वाले हैं, x³ वाले अलग ब्रैकेट में रख दिए, बीच में प्लस का निशान है, फिर xy² वाले अलग से रख दिए और y³ वाले अलग से और कांस्टेंट अलग से, फिर जैसे 4x³ प्लस 2x³ 6x³ आ गया, ये 6x³ रख दिया। उसके बाद 6xy² प्लस 7xy², तो ये 6 और 7 13। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 का प्लस है, 3 का माइनस है, तो कुछ नहीं बचेगा, 0 आ जाएगा और माइनस, ये आंसर है। आगे है सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब बेटा सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, इसको इसमें से घटाना है, फ्रॉम दिस, जिसमें जिसके आगे फ्रॉम होता है, फ्रॉम से राइट में जो होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, फ्रॉम से राइट में जो होता है उसको हमेशा क्या करते हैं, हम ऊपर रखते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और क्या करते हैं, इसको किस में रखते हैं, जो हमारी टर्म है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। पीछे मैंने बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर किसका देखना है, पावर्स का। जैसे 12a⁴, यहाँ पर है 12a⁴ माइनस 6a³b प्लस 5a²b² माइनस b³, उसके बाद इसको लिखेंगे। और जब भी माइनस करते हैं तो हम क्या होता है, निशान पलट जाते हैं, जो प्लस का होता है माइनस का हो जाता है, माइनस होता है प्लस का होता है, फिर ऊपर वाले इस निशान को छोड़ देते हैं। जैसे 12 - 8 = 4, क्यों, क्योंकि 12 प्लस का था और वो बड़ा था तो इसलिए 4 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 6 और प्लस 9 आएगा तो 3 आ जाएगा। इस तरह से ये हमें क्वेश्चन करने हैं। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, हमारी एक्सरसाइज 6.1 है बेटा, बिल्कुल ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। पहले तीनों एग्जांपल, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इफ द एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल सेव हाई। हाँ, ये कह रहा है कि ये बताना है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशंस जो हैं हमारी पॉलिनोमियल हैं और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल की क्या थी बेटा, जिसकी पावर 1/2 के रूप में ना हो या जिसकी पावर माइनस में ना हो। तो अब आप इनको देखेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला है तो इसको आप देख सकते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। यस, ये पॉलिनोमियल है। सेकंड पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें बटे में वाई है, और ये हमारा पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर 1/2 है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से आप इसको लिख लेंगे कि विच इज़ दी पॉलिनोमियल, तो पूरा स्टेटमेंट लिख करके लिख देंगे। सेकंड है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें क्या लिखनी है, हमें डिग्री लिखनी है। तो डिग्री कैसे, क्या बताया था मैंने, पावर को देखना है। यहाँ पर क्या है, x की पावर, देखिए क्या है, x की पावर क्यूब माइनस 3x² प्लस 1 माइनस x। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पर पावर 3 है, तो आप लिख लेंगे डिग्री इज 3, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। ऐसे ही बी पार्ट देखेंगे, xy² माइनस y³ प्लस y⁴ प्लस 6, इसमें पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 4 है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। इसी तरह से सी पार्ट है, इसमें देखेंगे 6a³b प्लस 4a²b³ प्लस माइनस 3, इसमें प्लस माइनस, इस प्लस माइनस का कुछ नहीं देखना, केवल हमें, मैंने बताया था पावर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर 3 प्लस 1 4 पावर आ गई, यहाँ पर 2 प्लस 3 5 पावर्स आ गई, यहाँ पर 3, तो इसकी डिग्री क्या आ गई, 5। तो ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन है। आगे है, अरेंज ईच ऑफ द पॉलिनोमियल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल एंड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सेकेंड वेरिएबल। क्या कह रहा है ये, अरेंज ईच ऑफ द पॉलिनोमियल असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पर x³ है,
तो फर्स्ट वेरिएबल के हिसाब से तो हमें क्या लिखना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और सेकंड बी को क्या लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इस तरह से इसको आप बेटा करेंगे, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन क्वेश्चन करेंगे और तीन ही एग्जाम्पल करेंगे। तो ये आपका मैथ का काम कंप्लीट है बेटा, इसको पूरा करेंगे। ओके बेटा, बाय। किसी को प्रॉब्लम हो तो कल 10 बजे से और 2 बजे के बीच में आकर के आप डिस्कस कर सकते हैं या अपना चेक करवा सकते हैं। ओके बेटा।